शन, यहाँ पर हम आज आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ वाक्यांश या शब्द समूह दिए गए हैं, उनमें उसके साथ में आपको पांच ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही अर्थ वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस शब्द समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। आपको पता लगाना है कि वह शब्द कौन सा है जो वाक्यांश का सही अर्थ प्रकट कर रहा है। विकल्प में से आपको अपना आंसर छांटना है, जैसे कि सूर्य के उदय होने का स्थान, जहाँ से सूर्य उदय होता है वो हम जो स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है, उदय स्थल, पूर्वांचल, उदय स्थान या उदयचल। तो गिवन ऑप्शन में से आप लोगों ने टिक कर लिया है। आते हैं आंसर पर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उदयचल। ठीक है, वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, डी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जिनका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, कुलीन कहलाएगा, तत् कहलाएगा, अनुसूचित कहलाएगा या अंत्योदय क्या कहलाएगा। गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है हमारा आंसर ए, कुलीन, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो। बाकी का बहुत से लोगों को मीनिंग नहीं मालूम है कि हाँ यहाँ पर क्या है, तो उनको हम बता देते हैं। उदत्त माने होता है मेहमान, श्रेष्ठ, उत्तम या उदार। अनुसूचित, अनुसूची में लगाया हुआ या अनुसूची में शामिल, जिसे अनुसूची में शामिल या निर्दिष्ट किया गया हो, जैसे जातियाँ या भाषाएँ। ठीक है, तो वो अनुसूचित कहलाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ, मुकुल, मंजरी, कोश, बौर, बोर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर है, देखिए, फल में परिवर्तित होने वाला फूल आम के वृक्ष की मंजरी। अब आपको खुद यहाँ पे अपना आंसर, कोष मीन्स क्या हुआ? आता है यहाँ पे भंडार, खजाना, फूलों की बांधी या कली। मंजरी क्या होता है? आम का अम्र पुष्प, आम के बौर या नया कोपाल। मुकुल, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, कली, मुकुल। देखिए, कली, ऐसा पुष्प, कली तो हम कहते हैं ना, तो कली की जगह यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, मुकुल। मुकुल, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, नहीं हुआ है, कली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, केवल इसी लोक से संबंधित, इसी लोक से संबंधित, मृत्यु लोक, लौकिक, इलौकिक या भूलोक या इनमें से कोई नहीं। इसी लोक से संबंधित है तो क्या होगा? इस संसार या दुनिया का, इस संसार से संबंध रखने वाला, ई, इसी मतलब ई लोक से। लौकिक मतलब होता है संसारिक या लोक संबंधित। भूलोक होता है धरती या संसार जगत। मृत्यु लोक मरणशील प्राणियों का लोक या पृथ्वी लोक। करेक्ट। इसके बाद आते हैं कृपा से कारण, कृपा के कारण संतोष धारण किए हुआ मनुष्य। कृपा के कारण संतोष धारण किया हुआ मनुष्य क्या कहलाएगा? उपकृत, कृत, कृतकर्म, कृतकार्य। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चंस को भी माइंड में रखिएगा, कृपा के कारण संतोष धारण किया हुआ मनुष्य, कृपा के कारण। ठीक है, तो कृपा के कारण जो संतोष धारण किया हुआ मनुष्य है, जो उद्देश्य सिद्धि के कारण संतुष्ट या प्रसन्न हो, उसे हम कहते हैं कृतार्थ। ठीक है, कृतकार्य क्या होते हैं? जो अपना कार्य या प्रयोजन सिद्ध कर चुका हो, कृत्य, कृत्य कार्य, कामयाब या सफल मनोरथ। उपकृत क्या होता है? जिसके पास उपकार किया गया हो, जिसके साथ उपकार किया गया हो, कृतज्ञ यह एहसानमंद उस व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने पांच क्वेश्चन हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं। ये आज के डेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी के मेंस एग्ज़ाम में। आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं पांच क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है शाश्वत। शाश्वत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शन आपके सामने पांच हैं, आपको आंसर टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन है गठबंधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ये इसके लिए पांच ऑप्शन है, आपको पढ़ना है, रीड करना है, आपको अपना आंसर टिक करना है। इसके बाद क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? इसके लिए भी आपको आंसर देना है।
आप्रवासी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंड देन क्रोध, क्रोध का भी आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये आपके पांच क्वेश्चन हैं, आपको टिक करना है। जो भी आपको आंसर लगता है फर्स्ट का, ए बी सी जो भी आपको है, आप सभी अपना आंसर टिक करिए। और क्योंकि हम इसका आंसर भी आपको इसी पार्ट में शेयर कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, शाश्वत का ये रहा आपका, गठबंधन का ये है, कार्यान्वयन का ये है, आप्रवासी का ये है, एंड क्रोध का ये है। तो आप अपना आंसर यहीं इसी सेशन में चेक भी कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम आंसर बताते हैं तो बहुत से लोग का मिस हो जाता है या फिर वो देख नहीं पाते हैं, तो आंसर उनको नहीं पता चल पाता है। तो इसी सेशन में हमने आंसर भी आपके लिए शेयर कर दिया है। तो पहले आप पहले पॉज करिए वीडियो को, टिक जो आंसर है वो टिक करेगा, देन उसके बाद आंसर आप देखिएगा। तो इसके अलावा और भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए शेयर करेंगे। कोई भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी ग्रामर का, कोई भी सेक्शन हो, प्रैक्टिस सेट अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेक्शन का चाहिए प्रैक्टिस, तो आप बाया मैसेज बाया कमेंट पूछ सकते हैं। एंड अगर आप